Hello everyone, in this video we will read the second chapter of English Moments class 9th and the title of the chapter is The Adventures of Toto. Toto ke karname. Kya aapne kabhi kisi baby monkey ko as a pet dekha hai ya pala hai? Toto ek baby monkey hai. Aur aaiye dekhte hain ki kya wo mischievous hai ya fir kafi docile, kafi humble hai. So, let's read the story. Grandfather brought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough and the monkey looked so out of place there that Grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. So, Grandfather ne Toto ko sabse pehle dekha tha ek Tonga driver ke paas jisse unhone ise 5 rupay ki kimat pe khareed liya tha. टोंगा ड्राइवर इस छोटे से लाल मंकी को बांधे रखता एक फीडिंग ट्रफ में खिलाने वाले कटोरे के साथ और मंकी वहाँ पर इतना अजीब लग रहा था कि ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो अपने छोटे से जू में अपने से छोटे से प्राइवेट जू में उसे लाकर रखेंगे. अब टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. टोटो एक प्यारा सा बंदर था. उसकी चमकीली आँखें स्पार्कल्ड चमकती नटखट और शैतानी से. डीप बिनिद सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट विच वर ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज. अब यहाँ पे उस मंकी के अपीयरेंस के बारे में बताया जा रहा है कि वो इतना ज़्यादा सफ़ेद और शैतानी से भरा कि वो अक्सर ही एंग्लो इंडियन लेडीज मतलब एंग्लो इंडियन लेडीज मीन्स द लेडीज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन हु लिव इन इंडिया आर कॉल्ड एंग्लो इंडियन. सो बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स. लेकिन उसकी जो हाथें थी वो बिल्कुल सूखी जैसे कि उन्हें धूप में कई सालों तक सुखाया गया हो. हालांकि क्योंकि उसकी फिंगर्स काफ़ी तेज चलती और काफ़ी शरारती थी एंड हिज टेल वाइट एडिंग टू हिज गुड लुक्स. और जो उसकी पूँछें थी वो उसकी सुंदरता में और ज़्यादा निखार लाती. ग्रैंडफादर का मानना था कि एक टेल जो है वो किसी की भी गुड लुक्स को बढ़ा देता है और ये एक तीसरे हाथ का भी काम करता है. लाइक यू माइट हैव हर्ड दैट द टेल हेल्प्स एन एनिमल टू बैलेंस इटसेल्फ. सो ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स. तो ये इससे किसी ब्रांच पर लटक पाता और इसी पूँछ के कारण ये किसी भी डेलिकेसी किसी भी स्पेशल डिश किसी भी टेस्टी डिश को आसानी से ले पाता जो कि इसके हाथ से दूर होते. ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट विथ ग्रैंड फादर्स When grandfather brought home some new bird or animal. अब दादी माँ हमेशा ही गुस्सा करती बड़बड़ाती जब grandfather किसी भी एनिमल को अपने घर में लाते. So it was decided that Toto's presence should be kept. So it was decided that Toto's presence where we were. Yes. तो ऐसा decide किया गया कि टोटो को घर में चुपके से रखा जाएगा जब तक कि वो एक गुड मूड में ना हो. ग्रैंडफादर और मैंने उसे छोटे से डब्बे में बंद कर अपने बेडरूम वॉल के पीछे छिपा दिया जहाँ पे उसे सिक्योरली काफ़ी सुरक्षित तरीके से बांध दिया गया. और सो वी थॉट टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल. नाउ अ फ्यू आवर्स लेटर कुछ घंटे के बाद जब ग्रैंडफादर और मैं टोटो को छोड़कर बाहर आए तो हमने देखा कि जो वॉल्स हैं जो कि ऑर्नामेंटल पेपर ग्रैंडफादर ने चुनकर उसे सजाया था अब वो केवल ब्रिक और प्लास्टर्स में सिमटा पड़ा है. उसने इन सारे ही कागज़ों को फाड़ डाला था. द पेग इन द वॉल हैड बीन रेकेड रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स. और जो मेरा स्कूल ब्लेज़र हुआ करता था जो वहीं पर टंगा रहता वो अब टुकड़ों में बटा था. आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमा वुड से
बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। लेकिन दादाजी को इससे कोई भी परेशानी नहीं थी, वो इससे चिंतित नहीं हुए क्योंकि वो तो टोटो के इस परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इन टू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। वो कहते हैं कि ये काफ़ी चालाक है, अगर इसे समय दिया जाता तो ऐसा हो सकता था कि वो तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक रोप बनाता और वो इस खिड़की से भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसका घर में प्रेजेंस अभी भी एक सीक्रेट था। टोटो अब एक बड़े से पिंजड़े में रखा गया था, उसे सर्वेंट्स क्वार्टर में, जहाँ पर कई सारे और भी पेट्स जो कि एक साथ काफ़ी सोशियबली, काफ़ी सामाजिक तरीके से रहते, दे ऑल लिव विद पीस एंड हारमोनी, जहाँ पे व्हाट वर द एनिमल्स, अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल गिलहरी एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और मेरी पेट गोट भी वहीं रहा करती। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन ये मंकी, ये टोटो मंकी इतना मिस्चीवियस था कि वो किसी भी अपने साथी को वहाँ रात को टिकने नहीं देता। तो ग्रैंडफादर ने, जिन्हें कि देहरादून जाना था अगले ही दिन, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उसे अपने साथ ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकंपनी ग्रैंडफादर ऑन द ट्रिप, दुर्भाग्यवश मैं तो अपने ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा पाया उस ट्रिप पे, लेकिन उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो को ले जाने के लिए एक बड़ा सा कैनवास किट बैग तैयार किया गया। एंड दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोड, और इसमें कुछ छिलके, कुछ घास फूस भी रख दिए गए ताकि उसे बैठने में परेशानी ना हो। विद द बैग वॉज क्लोज देयर वॉज नो एस्केप, जब बैग को बंद कर दिया गया तो भागने का कोई उपाय ना था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स टू द ओपनिंग, टोटो उसकी किसी भी ओपनिंग से हाथ तक नहीं निकाल पा रहा था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रांग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और जो कैनवस था वो काफ़ी मोटा ताकि वो उसे काट भी ना पाए। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इन टू द एयर, एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म्स। तो कभी कभी जब वो कोशिश करता कि वो बैग से किसी भी तरह निकल जाए, या फिर जब बैग फ्लोर पे रखा होता तो कभी कभी जंप भी करता एयर में, तो ये एक एग्जीबिशन जैसा था उन सभी क्राउड के लिए, सभी क्यूरियस उत्सुक लोगों के लिए जो कि देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े थे। टोटो अभी भी बैग में था सहारनपुर तक, बट वाइल्ड ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, लेकिन जब वो टिकट प्रोड्यूस कर रहे थे तो टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव अ टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन। अब ग्रिन मीन्स क्या? ग्रिन मीन्स मुस्कान, ग्रिन मीन्स मुस्कान। तो सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि टोटो बाहर निकलकर कलेक्टर को अपनी एक वाइड ग्रिन, अपनी एक चौड़ी मुस्कान ना दिखा दे। अब जो बेचारा इंसान तो बिल्कुल चौंक गया, वॉज टेकन अबैक, टेकन अबैक मीन्स चौंक जाना। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड सच टू ग्रैंडफादर्स अनाउंस, ग्रैंडफादर के झुंझलाहट को भी, ही सेड सर यू हैव अ डॉग विथ यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। वो कहता है कि सर आपके पास एक डॉग है और आपको इस डॉग के लिए भी नियमानुसार पेमेंट करना ही होगा। इन वेन, बिल्कुल निराश होकर ग्रैंडफादर ने टोटो को बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, वो लेकिन बेकार ही, किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ग्रैंडफादर ने हालांकि टोटो को बाहर निकाला और उन्होंने कहा कि जो जो मंकी है वो कोई डॉग नहीं है, और इवन कोई क्वाड्रप्ट, कोई चौपाया जानवर भी नहीं है फॉर विच ही हैज़ टू पे। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टोटो को तो टिकट कलेक्टर ने डॉग कहा था, एंड देयरफॉर 3 रुपीज वॉज सम हैंडेड ओवर हिम एज इज फेयर। तो 3 रुपए उस बंदर के बदले भाड़े के रूप में भी देने पड़े। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टॉर्टोइज एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। तो ग्रैंडफादर अपनी बात को और मजबूती से रखने के लिए कह पड़ते हैं कि ठीक है, एक मंकी का तो आपने ले लिया, बट आई हैव अ पेट टॉर्टोइज टू,
तो आप इसका क्या लेना चाहोगे? द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टोइज प्रॉडेड इट वॉज हिज फोर फिंगर गिव ग्रैंड फादर अ प्लीज एंड ट्रियम्फेंट लुक एंड सेड नो चार्ज इट्स नॉट अ डॉग। तो वो उस टॉर्टोइज को अपनी उंगलियों से छेड़ता तो है बट कहता है कि इसके लिए कोई चार्ज नहीं, ये कोई डॉग नहीं है। नाउ लेट्स रीड द वर्ड्स गिवन इन द फर्दर पेजेस। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. Finally, जब grandmother ने भी Toto को accept कर लिया तो उसे stable में एक कमरा दे दिया गया where he had for a companion the family donkey. जहाँ पे उसका एक companion, एक साथी कौन था? तो family donkey जिसका नाम था नाना। Toto के पहली रात ही grandfather ने जब उसे देखने गए कि क्या वो कंफर्टेबल है, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। तो उन्होंने देखा कि जो उनका जो पेट डंकी नाना है वो बिल्कुल बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने बंडल ऑफ हे, घास के ढेर में से खुद को बार बार बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेज एंड शी जॉक्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विथ हर। तो ग्रैंडफादर ने जब उसे एक थपकी लगाई उसके कूबड़ पे, उसके हॉन्चेज पे, तो वो झटक पड़ी और टोटो उससे दूर जा गिरा। ही हैड फासेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। टोटो ने, उस डंकी ने टोटो को अपने शार्प लिटिल टीथ में फंसा रखा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना कभी भी अच्छे फ्रेंड नहीं बन पाए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज अ लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाई द ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। अब एक बड़ा ट्रीट, जो मतलब एक विशेष व्यवस्था जो टोटो को होती कोल्ड वेदर इवनिंग्स में, वो थी कि एक बड़े से कटोरे में गर्म पानी में टोटो को दिया जाता ग्रैंड मदर के द्वारा। ही वुड कनिंगली टेस्ट, वो बड़ी ही चालाकी से टेस्ट करता टेम्परेचर को अपने हाथ से और फिर ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फिर नहाने जाता। और वो नहाता भी कैसे? तो फर्स्ट वन फुट देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि वो मुझे देखा करता अनटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक। और वो ऐसा तब तक करता जब तक कि वो गर्दन भर पानी में खड़ा ना हो जाए। सो लेट्स रीड व्हाट गिवन फर्दर। वंस कंफर्टेबल, जब एक बार वो पूरा कंफर्टेबल हो जाता तो ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट, वो अपने हाथ या पाँव में सोप ले लिया करता एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और पूरे शरीर को रब करता। जब पानी ठंडा हो जाता तो ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। और वो कहाँ दौड़ कर भागा था? तो किचन फायर में, ताकि अपने आप को ड्राई कर सके। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट। और अगर भाई साहब, अगर कोई भी उसकी तरफ हंस पड़ता तो टोटो की फीलिंग्स तो हर्ट हो जाती। एंड ही रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और वो उसी वक्त मना कर देता अपने बाथ को कंटिन्यू करने से। एक दिन तो टोटो ने खुद को बिल्कुल जिंदा ही बॉयल करने से खुद ने उसको कैसे भी करके बचा लिया। अ लार्ज किचन किटल हैड बिन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी। एक बार की बात है जब किचन में एक लार्ज किटल को रखा गया था चाय गर्म करने को। Sweet, yes. Finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. अब टोटो, जिसे कुछ और करने को मिल ही नहीं रहा था, उसने क्या किया? इसके ढक्कन को हटाया, remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, जब उसे लगा कि water बाथ के लिए sufficient गर्म हो चुका है, तो he got in. वो इसमें चला गया, with his hand sticking out from the open kettle. और उसके हाथ जो थे, वो kettle के बाहर थे. This was just fine. कुछ देर तक तो ये काफ़ी अच्छा चल रहा था until the water began to boil. जब तक कि water ने boil करना शुरू ना कर दिया. Toto then raised himself a little. Toto ने काफ़ी कोशिश की कि वो खुद को उसमें से निकाले. Finding it cold outside, sat down again. लेकिन जब उसे बाहर ठंड महसूस हुआ तो वापस बैठा रहा. He continued hopping up and down. वो उस बीकर के अंदर ही, वो उस केटल के अंदर ही कूद फान कर रहा था एंड फॉर सम टाइम अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हाउल्ड हिम।
ये तब तक चलता रहा जब तक कि ग्रैंड मदर वहाँ पर नहीं आ गई और उन्होंने उसे बाहर ना निकाला। तब तक वो हाफ बॉइल्ड हो चुका था। इफ़ देर इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, अगर दिमाग में कोई ऐसा पार्ट होता हो जो कि नटखट और शैतानी से भरा हो, तो ऐसा लगता था कि टोटो के दिमाग में वो डेवलप हो चुका था। ही वॉज ऑलवेज टियरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हर वक्त चीज़ों को टुकड़ों में बांटा करता। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, जब भी कब मेरी कोई आस पड़ोस की आंटियाँ आया करती तो वो पूरी कोशिश करता कि उनके कपड़ों को पकड़ ले और उसमें कोई ना कोई होल कर दे। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव सलाद स्टूड इन सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक दिन लंच टाइम में पुलाव से भरा एक बड़ी सी थाली डाइनिंग टेबल पर रखी थी। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, जब हम उस कमरे में दाखिल हुए तो हमने देखा कि टोटो खुद को बिल्कुल ठूंसे जा रहा है। ही इज़ स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। माई ग्रैंड फादर स्क्रीम्ड, ग्रैंड मदर तो बिल्कुल चिल्ला उठी, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर फेस, और टोटो ने उनकी तरफ एक प्लेट फेंका। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, मेरी एक आंट दौड़कर आगे आई एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और जब वो आगे आई तो उनके चेहरे पे एक ग्लास पानी फेंका जा चुका था। बट ग्रैंडफादर अराइव्ड, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड इज एग्जिट थ्रू अ विंडो, जब मेरे ग्रैंडफादर वहाँ आए तो टोटो ने पुलाव के थाली को लिया और खिड़की से भाग पड़ा। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और हमने उसे देखा जैक फ्रूट ट्री की डालियों पे, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, जो डिश था वो अभी भी उसकी हाथों में था। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, सारी दोपहर वो वहाँ पर बैठा रहा, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटरमिंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, वो बिल्कुल ध्यान से पूरे दृढ़ निश्चय के साथ चावल के हर एक दाने को खत्म करता जा रहा था। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन एट द ट्री एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और तब क्योंकि उसे बदला लेना था ग्रैंड मदर से जो कि उस पर काफ़ी चिल्लाई थी, तो उसने क्या किया, उसने उस डिश को फेंक दिया पेड़ पर से ही, जब तक कि वो कई सौ टुकड़ों में बट ना गया हो। सो नाउ इन दीज पैराग्राफ्स वी हैव सीन दैट हाउ मिस्चीवियस दिस मंकी वॉज। नाउ ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, ऑब्वियसली टोटो एक ऐसा पेट एनिमल नहीं था जिसे लंबे समय तक रखा जा सके। इवन ग्रैंड फादर रिलीज दैट, यहाँ तक कि ग्रैंडफादर ने भी उसे रिलीज़ कर दिया। हम लोग इतने भी वेल टू डू फैमिली से नहीं थे एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, और इन डिशेस की लॉस, इन क्लोथ्स, इन कर्टन्स और इन वॉलपेपर्स की लॉस हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। हियर द पोएट इज हियर द राइटर इज गेटिंग ह्यूमरस, वो कह रहा है, ही इज गेटिंग सैट्रिकल, ही इज सेइंग दैट वी आर नॉट ऑफ दैट मच वेल टू डू फैमिली, वी आर नॉट ऑफ दैट मच रिच फैमिली दैट वी कैन अफोर्ड द लॉस ऑफ एवरीथिंग। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, उन्होंने वापस से उस टोंगा ड्राइवर को पकड़ा एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज, और उन्होंने टोटो को वापस 3 रुपए की कीमत पे बेच दिया। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, द ग्रेट एंग्लो इंडियन राइटर हु लिव्ड अ मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन इंडिया, एंड दिस स्टोरी इज डिपिक्ट द ब्यूटी, द सीनिक ब्यूटी ऑफ द foothills of Himalaya and specially the Uttarakhand area of our nation. So that's all for this lesson. We'll talk about the question answers in our class, and so that's end for today. Thank you.